आज हम आपको डाटा इंपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। मान लो कि मैंने डाउनलोड किया है कुछ सैंपल डाटा टेली सॉल्यूशन कंपनी से। ये डाटा है डाटा फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया अब ये जो डाटा है यह ई हार्ड डिस्क में पड़ा है। इसके अंदर दो डाटा फाइल्स हैं। ये डाटा फाइल्स हैं और ये कंपनी एबीसी का डाटा है। पहले मैं टैली को खोल देता हूँ। इसमें अभी एबीसी कंपनी दो हैं जो 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक हैं। जो इंपोर्ट में डाटा करूँगा वो 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 और 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 की होंगी। तो एक बार मैं कंपनी को बंद कर देता हूँ। ये शट द कंपनी और मैंने यहाँ से दोनों फाइलें कॉपी की, कॉपी कर ली, माई कंप्यूटर में चला गया, सी में चला गया, टैली डॉट ईआरपी में चला गया और अब इस डाटे में चल जाकर यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ये दोनों फाइलें चली गई हैं। अब मैं टैली को ओपन करता हूँ दोबारा से। टैली ओपन हो गई है। अब देखिए सिलेक्ट किया मैंने कंपनी को। अब दो नई कंपनियां का जो डाटा है वो इसमें शामिल हो गया है, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008, 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009। तो अब ये पासवर्ड पूछेगा। जो मैंने सैंपल डाटा लिया था उसका पासवर्ड ए है, यूज़र नेम और पासवर्ड ए है। तो मैंने इसमें डाल दिया ए ए। ये कंपनी का सारा डाटा मेरी टैली में चला गया है। अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। ये बैलेंस शीट है जो कि मैंने इंपोर्ट किया है। ओके, अब इसका मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करता हूँ। इंटरेस्ट सीवेबल है ये। ऐसे ही सैंपल डाटा इंटरेस्ट पेबल का दिया हुआ है। ये इंटरेस्ट पेबल का दिया हुआ है। टेक्स्ट ऑडिट इंफॉर्मेशन में गया। ये टोक टैक्स ऑडिट है। ओके, जिसकी मैंने डिटेल आपको पहले ही बताई थी। ओके, थैंक यू वेरी मच।